स्टार्ट आर सेशन। से ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ मैं मेंबर्स को। सबको बताइए नाम क्या क्या अपने प्रीफिक्स लगाना है। आर्यन हाँ ग्रुप ए, हाँ माया पासुनस कहा था। आर्यन के बाद में ग्रुप बी। हाँ वर्ती आर्यन दिस तो है। ठीक है, आशुतोष ग्रुप बी, आयुष ग्रुप ए, आशुतोष ग्रुप बी, सॉरी सॉरी आशुतोष तो है ही, रामेश बी, उसके बाद में अभिषेक महाले ग्रुप ए, उसके बाद में ऋषभ पे, ग्रुप आवाज नहीं है, देख लिया आवाज इतने। आवाज आदित्य मेत्रे, ग्रुप ए से है अजिंक्य सोनवने, ग्रुप बी से है मनीष मनीष अहिरे, ग्रुप प्रकाश गावंडे, तो कौन से आवाज ग्रुप बी से है पूर्वा गर्डे, लीलाधर धनगर फ्रॉम ग्रुप ए, कल्याण फ्रॉम ग्रुप बी, कल्याण सोनोने, बहुत ज्यादा मेंबर है। ओके रविनेश फ्रॉम ग्रुप ए, फिर उसके बाद में रितेश सिसोदे फ्रॉम ग्रुप बी, रितेश टाकावड़े ग्रुप ए, तनिष आयरे ग्रुप बी, शर्मा आज का है। ग्रुप कौन से? ओम प्रकाश ग्रुप ए, तनिष यू आर फ्रॉम ग्रुप बी, वैभव भूसारे ग्रुप ए, यश मिसाले फ्रॉम ग्रुप बी, शिवम माने ग्रुप ए, फिर उसके बाद में सब हो गए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सर हमें कौन से ग्रुप से हो? मनीष यू आर फ्रॉम ग्रुप बी, पूर्वा घाटे यू आर फ्रॉम ग्रुप बी, रेवनीश यू आर फ्रॉम ग्रुप ए। रीनेम कीजिए अपने आपको, रीनेम योर सेल्फ एज लाइक प्रीफिक्स।
A or B with your name. Ajinkya made it A or B. Means you are from group A. Shivam Mane, rename yourself with the group A. Yash Misal, rename yourself with the group B. Yash Shelar, okay, this one new. You are from group B. Yash Shelar, you are from group B. Leeladhar, aap group A se ho, aapke naam ke aage group A likhiye. ओके जिनको नहीं लिखते आ रहा मैं उनका लिख देता हूं रेमिनेश ग्रुप ए सर हाँ सर मैं थोड़ा टाइम अजॉइन करूँ का कौन है लीला दादनगर ओके ठीक है थोड़ा ना अजॉइन करूँ सर ग्रुप ए यश मिसाई ग्रुप बी और कौन बचा आशुतोष सोनक आशुतोष ग्रुप बी आपने लिखा नहीं नाम क्या के कि मैंने लिख दिया चलो सभी रीनेम हो गए शिवम माने सब ओके शुरुआत करेंगे हम ग्रुप ए से ए अल्फाबेट पहले हैं फर्स्ट है तो इस वजह से ए से शुरुआत करते हैं रूल्स सभी को पता है रूल्स सभी को पता है ऑल ऑफ यू नो रूल्स नहीं सर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं मैं जिस ही ग्रुप का नाम लूंगा उस ग्रुप से एक व्यक्ति कोई भी एनीवन मैं मेरा नाम डिक्टेट करूंगा उसका नाम जैसे ही पूछूंगा तो उसको आंसर देना है क्वेश्चन करना है ग्रुप बी से जब मैं ग्रुप बी से किसी और किसी एक का नाम लेता हूं तो उस टाइम पे वो ग्रुप ए के किसी भी मेंबर से क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है क्वेश्चन होना चाहिए डिफेंस रिलेटेड सर दर्शन को कराएगा हां क्वेश्चन विचारा मैं ग्रुप वाइज पॉइंट आगा नहीं क्वेश्चन मी नहीं विचारना रे ग्रुप ए क्वेश्चन विचारना ग्रुप ए चं मी नाव घेणार एका मेंबरचं आय विल टेक अ द नेम ऑफ एनी ऑफ एनी वन ऑफ द ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी आय विल आय वॉन्ट टू गिव द ग्रुप ए दॅट पर्सन हॅव टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी देन बोले कर सकता है और इमिजिएट उससे क्वेश्चन रेंडमली आस्क कर सकता है कोई भी हो और उसने अगर आंसर दिया नहीं ग्रुप ए के उस मेंबर ने तो नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाएगा जो आंसर देंगे वो पॉजिटिवली कंसीडर किया जाएगा ओके ओके सेम ग्रुप बी के लिए भी है ग्रुप बी जब भी क्वेश्चन पूछेगा किसी मैं किसी का भी नाम लूंगा तो ग्रुप ए के उस मेंबर से कोई भी मेंबर से पूछ सकता है वो तो शुरू करते हैं हम ग्रुप ए से ओम प्रकाश सीनियर फर्स्ट सर ग्रुप बी से क्वेश्चन करो कोई भी मेंबर से नाम लो एक सेकंड हां डिफेंस म्हणजे इंडियन डिफेंस सर्व्हिसेस की अदर वन ओनली इंडियन हां ठीक आहे ओनली इंडियन ओम प्रकाश क्वेश्चन करेंगे ग्रुप बी से कोई भी मेंबर से कर सकते हो आप उसका नाम लेना है उसने आंसर नहीं दिया तो आपके ग्रुप को मार्क्स चैट बंद कर रहा हूं मैं सर मैं विचारूंगा और एक बार जो हो गया ना तो दूसरी बार उसको टर्न नहीं मिलना है क्योंकि गेम तब तक ही चलेगा जब तक टर्न खत्म नहीं हो जाते तब तक ठीक है सर ओम प्रकाश क्वेश्चन पूछो नहीं तो आपके ग्रुप को नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा किसी से भी पूछो नाम लो उसका ऑडियंस में से मैं सबको म्यूट कर रहा हूं ओम प्रकाश अनम्यूट करो अपने आप को
देखिए आप लोगों के ग्रुप को माइनस मार्किंग हो जाएगा, आप लोगों के वैसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगे। ओके ओम प्रकाश इज रेडी। किसे पूछना है, नाम बोलो उसका। ओम प्रकाश की टर्न ओवर हो रही है। सबकी टर्न आएंगी क्वेश्चन पूछने के लिए, तो सभी टर्न आना है, उसमें टेंशन नहीं। लेकिन आंसर जो देंगे उसकी टर्न फिक्स नहीं है, कौन दे रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड है किसको पूछ रहा हो। रितेश सुदेयो ग्रुप बी। ओम प्रकाश जल्दी पूछो क्वेश्चन। ग्रुप है आपको, अदरवाइज मुझे नेगेटिव पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। ओम प्रकाश ने क्वेश्चन किया। ओ सर कर तो थामा एक मिनट। यश मिसारेला। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्मी। क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, हाँ फादर ऑफ इंडियन आर्मी। यश आंसर हिम। यश आंसर दो, अदरवाइज नेगेटिव पॉइंट कंसीडर होगा आपके ग्रुप को। और एक बात याद रखो, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए, अदरवाइज पॉइंट मिलेगा ही नहीं। यश आंसर दो, माइक पे क्लिक कर। टाइम अप, टाइम अप। यश ही गायब हो गया। और शर्मिशम का नहीं नहीं नहीं, यश ही देगा आंसर उसका। तो आज तो नहीं, तो भाले ना नहीं, अभी माइनस मार्किंग में आएगा। अरे सर माइक नो को बंद करा। ठीक है यश गया। ठीक है ओम प्रकाश आंसर दो उसका, आंसर दो ओम प्रकाश। क्वेश्चन किया है तो आंसर भी आना चाहिए। आइए थे ना था तो भी है। मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। ओके गुड। स्ट्रिंजर लॉरेंस सर। मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस या स्ट्रिंगर लॉरेंस? स्ट्रिंगर लॉरेंस। स्ट्रिंजर अरे एक काम कर, चार्ट में डाल। चार्ट में डाल स्ट्रिंगर। कैट बंद किया है मैंने। ऐसा कहां पर चालू करा? ऋषिकेश सरांना पाठवते। ओके स्ट्रिंगर मला चॅट मध्येच पाठवायचा आता। सर हम पूछे अभी। ओके स्ट्रिंगर है वो। हेलो इट्स स्ट्रिंगर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष। आशुतोष यस सर गो अहेड। जस्ट अ मिनट सर।
प्रियांशु योग फ्रॉम ग्रुप बी सॉरी ग्रुप ए. प्रियांशु आपको ग्रुप ए में डाल रहा हूँ मैं. सर एक क्वेश्चन हुआ यार, 12:30 हो गए. ऋषिकेश सर क्वेश्चन. डेलस मंथ आस्था डिफेंस एकेडमी. हेलो. हाँ सर. क्वेश्चन सर. सर क्वेश्चन रेडी रखो सब लोग. हाँ सर. सर रेडी सर पूछे क्या बोलो आप. I want to ask question to मेरी वॉइस कट हो रही है क्या? पुरुरवा घराड़ी. नहीं नहीं पुरुरवा घराड़ी. आशुतोष ने बोलना चाहिए. रितेश नहीं. आशुतोष ने क्वेश्चन करना चाहिए. सर आशुतोष ही कर रहे हैं. हाँ सर मैं ही कर रहा हूँ. ओके हाँ बोलिए. मैं आदित्य मेहत्र को पूछना चाहता हूँ. ओके आदित्य मेहत्र. इंडियन आर्मी में जीडी भर्ती के टाइम कितने पुलअप्स रिक्वायर होते हैं कम से कम? हेलो सर. हाँ आवाज नहीं आ रही. मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर आ रही. सर आ रही. चलिए नेटवर्क. सर हेलो अब आ रही प्रॉपर? हाँ सर आ रही. ओके आशुतोष क्वेश्चन किया क्या आपने? हाँ सर. हेलो आशुतोष तुझा आवाज अडकतोय. आते तो आशुतोष चैट में लिख के भेज दो क्वेश्चन. मैं आदित्य से पूछता हूँ. हाँ एक ऐसा सिंगल पर्सन लोगों को विचारा ना जैसे ग्रुप ए सर. डायरेक्ट ग्रुप ए ग्रुप बी को पूछेगी और ग्रुप बी ग्रुप ए. नहीं 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 मार्क्स सबको मिल जाएंगे फिर तो. अरे तो सब ग्रुप कैसा लगाना ले मग प्रत्येक जना एक एक पहचान मग पॉइंट में ग्रुप बनाया इसलिए क्योंकि हर एक मेंबर पूछ सके ना. अभी ग्रुप वाइज मार्किंग होगा ना सर. फिर वैसे भी तो ग्रुप वाइज ही मार्किंग होगी ना तो उसमें ज्यादा आंसर्स आ सकते हैं ना. इसलिए आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो मुझे पता है. सर ऐसे एक एक करके आदित्य मेहत्रे से क्वेश्चन था ना आशुतोष आपका? हाँ सर. ओके आदित्य मेहत्रे आपके लिए क्वेश्चन आया है. इंडियन आर्मी मेन जीडी भर्ती के टाइम कम से कम कितने पुल अप्स रिक्वायर्ड होते हैं? इंडियन आर्मी में जीडी भर्ती के टाइम कम से कम कितने पुल अप्स रिक्वायर्ड होते हैं आदित्य मेहत्रे? आदित्य मेहत्रे और आदित्य मेहत्रे आमचा वाला है का म्हणजे 12th वाला? हो ना हो तुमचा जो 12th वाला है. सर 11th वर्सेस 12th रखो ना फिर. आदित्य मेहत्रे ने दिया है 6 पुल अप्स. आशुतोष सही है? No, sir, 10 pull-ups for 40 marks. चालन सर आंसर दे. पुल-अप रिक्वायर्ड होती है मिनिमम 6. सर 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 हाँ सर जीडी पर जीडी टाइम मिनिमम 50 पुशअप्स मारे मतलब मारने बोलते सर 50. हाँ पर एटलिस्ट 10 अनि एबल टू डू 100 पुशअप्स है.
पुशअप्स नहीं पुलअप्स विचारते तो पुलअप मिनिमम सिक्स मिनिमम सर मिनिमम सिक्स ना है मिनिमम सिक्स बोल रहा है नो सर रॉन्ग रॉन्ग है आशुतोषला विचार ना देनी बघितलं ना आंसर काय त्याला विचार यस सर आणि 10 10 है क्या ओके तो माइनस मार्किंग होता है आदित्य मेहत्रे कौन से ग्रुप से हैं ए ग्रुप बी सर ग्रुप ए से वो बंदा आदित्य मेहत्रे आमच्याकडनं है ना आशुतोष आप ग्रुप ए से हो क्या बी नहीं सर बी से तो आपने आदित्य मेहत्रे आपके ग्रुप से पूछा ना क्वेश्चन आदित्य मेहत्रे ए मध्ये है ना सर हाँ ए मध्ये है तो सर आदित्य मैंने आपको ग्रुप बी असाइन किया था नहीं सर ए होता मैंने अरे आर्यन असाइन किया भाई नहीं मध्ये थी आओ सर चिंगड़ दर वैसे ओके नो इश्यू माइनस मार्किंग हो गया फिर जान दो आदित्य को मैं ग्रुप ए में डाल देता हूँ बताइए ओके दोनों तरफ इक्वल हो गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछेगा ग्रुप ए से रेविनेश रेविनेश गो अहेड यस सर पूछू क्या हाँ हु इज द आदित्य मुझे मत एक्सप्लेन करो आयुष को एक्सप्लेन करना चाहिए था ओके हेलो हेलो हाँ पूछू क्या किससे पूछ रहे पहले नाम बोलो उसका सर मैंने लिखा नहीं है वो हेलो ओके नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम के आगे लेटर लगे ए और बी हाँ सर हेलो हाँ सर आपने बोला था लिखने को कि मतलब नेम्स ए टू ए ग्रुप बी ग्रुप नेम्स नेम्स कुछ लिखना नहीं थे ओ यहाँ पे आपको सब सबके नाम के आगे दिख रहे हैं आपको ए ग्रुप से कि बी ग्रुप से वो ओके आप कौन से ग्रुप से वो पूछ रहे हो क्या हाँ रविनेश आप ग्रुप ए से हो मैंने आपका नाम के आगे लिख दिया है आप देख सकते हो सर मेरे को यहाँ पे दिख रहा नहीं मैंने ए लिखा है आपके नाम के आगे मुझे दिख रहा है ठीक है ठीक है तो मैं सर मेरे को पूछने का है आशीतोष से हेलो हाँ तो स्टार्ट करूँ हाँ हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंट आशीतोष आंसर हिम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसने ऐसा दिया ओके आशुतोष ने दिया गुड चलो वन मार्क्स मिल गया अभी रेविनेश हो गया कल्याण कल्याण क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी कल्याण क्वेश्चन पूछो यस सर
व्हाट इज द डेट ऑफ नहीं 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 नाम बोलिए उसका जिससे पूछ रहे हो पहले नाम बोलिए उसका जिससे क्वेश्चन पूछना है कल्याण आपको ऋषिकेश तुपे ओके ऋषिकेश तुपे सर मैं भी बी ग्रुप से ही हूँ ऋषिकेश तुपे यू आर फ्रॉम ग्रुप बी हाँ अभिषेक महाले अभिषेक महाले हाँ ग्रुप ए से बोलिए Which is the date of establishment of Indian Air Force? Guy clear, please. Repeat the question, please. What is the date of establishment? What is the establishment of Indian Air Force? Establishment of Indian Air Force. पूछ रहा है. अभिषेक आंसर हिम सर हाँ यहाँ से सिंगल सिंगल लोगों डे और सर चिंगल होता है हाँ ना सर ठीक है मैं ना काउंट करता हूँ फाइव तक आंसर दिया तो ठीक नहीं तो गया सर मुझे दूसरा ग्रुप थर्ड ग्रुप मतलब दूसरे ले तो संत मक्का कर रहा था तो सर ऑप्शन नहीं है सॉरी हेलो हाँ बोलिए द डेट ऑफ इंडियन एयर फोर्स एस्टेब्लिशमेंट इज 8 अक्टूबर 1932 Yes, sir, right. Right है? Okay. सर लेकिन इतने टाइम पे कोई बंदा जाके गूगल पे सर्च करके वापिस आके बता देगा ठीक है काउंटडाउन लगाएंगे 10 तक काउंटडाउन करता फिर उसके बाद में वो उसको आउट कर देते सर गूगल वाला ग्रुप ए से है वैभव भुसारे गो अहेड ग्रुप ए वैभव भुसारे सर वो मीटिंग में ही नहीं है सर वो मीटिंग में नहीं है नहीं सर कह रहा है रितेश टकावड़े यस सर सबका नंबर आएगा टेंशन मत लो क्वेश्चन जल्दी नाम बोलो किसी भी का भी ग्रुप बी से Sir, I want to ask question to Ashitosh. हाँ. Sir, सब उसको ही पूछते क्या हो गया ना एक बार. Sir, Ashitosh का हो चुका है sir. उसको ही पूछ रहे बार बार. Hello, sir. अभी और randomly. Hello, sir. Hello, sir. हाँ. हमको हमारे group वालों को private message करना हो तो हम नहीं कर सकते sir. नहीं. Sir, ऐसा गलत है फिर sir. ठीक है ठीक है हिंट ऑन कर देता हूँ बस चैट करो प्राइवेट कर सकते बस ओके ओके सर सर अगर प्राइवेट मैसेज ऑन रहा तो फिर बच्चा अगर उसकी टीम का रहेगा तो उसने उसको आंसर बता देगा चलता ना फिर चलता सर माइक चालू करके नहीं बताऊंगी बट हाँ ठीक है जेला प्रॉब्लम है तो करूँ ना कमांग बराबर सर बराबर सर चैट ऑन कर दिया रितेश क्वेश्चन पूछो ना रितेश टकावड़े सर दूसरे को पूछो भैया हाँ किसी से भी पूछो आपकी मर्जी सर, कोई कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे पंकज को पूछना चाहता हूँ मैं ये प्रश्न पंकज अब भी ज्वाइन हुआ ओके नो इश्यू पंकज को रूल्स पता नहीं होंगे पंकज आपको उसके क्वेश्चन का आंसर देना है अगर नहीं दे पाए तो आपके ग्रुप को माइनस मार्किंग होगा आप ग्रुप बी से हो पंकज ओ पंकज को नहीं दिसुलत ना रहला ना कहा गया पंकज
सर पंकज है पंकज है सर नहीं ये पंकज है पंकज ही नहीं सर सर आज एवढे क्रमे मुलाकात काय सर ग्रुप ए मीटिंग ला आराम चालू होऊन गया सर रितेश हां सर कल्याण को पूछना चाहता हूं कल्याण से ओके गो अहेड सी मैं माइनस मार्किंग लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं लिख रहा प्लस माइनस मार्क्स नहीं लिख रहा हूं सिर्फ माइनस मार्किंग लिख रहा हूं हां बोलिए हु इज फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया दोनों ग्रुप को इक्वल मार्क है कल्याण आंसर सर रिपीट द क्वेश्चन हु इज फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया सर काउंटडाउन ना ओके कल्याण आपकी आवाज आपको वॉइस आ रही है इसकी टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री टिक टिक फोर हेल्प कीजिए टिक टिक फाइव टिक टिक सिक्स टिक टिक सेवन टिक टिक एट टिक टिक नाइन टिक टिक टेन जनरल सर क्वेश्चन किसको पूछा है मानिक्स कल्याण ने आंसर दिया कल्याण आपकी आवाज बोलो आपके वॉइस में फिर से बोलो एक बार सर जनरल आपकी वॉइस नहीं थी सर मेरी थी नहीं सर उसी की थी सर उसी की नहीं उसी की थी पक्का हाँ मी हाँ सर ऑप्शन और ओके ठीक है रितेश ठाकरे वाले ने क्वेश्चन किया आंसर मिल गया यश मिसा यश है क्या सेशन में नहीं है शायद यश शेलार भी नहीं है ग्रुप बी से रोशन एवले रोहन एवले रोहन हेलो सर उसका माइक कनेक्ट नहीं है ग्रुप बी में तो मेंबर्स कम हो गए फिर ऋषिकेश टूपे सर मैं पूछ गया हाँ ओके सर एक मिनट सर माय क्वेश्चन इज टू आयुष श्रीवास्तव हाँ यस सर हमें पता है कि परमवीर चक्र जो है वो 21 लोगों को मिल चुके हैं बट उसमें से सिर्फ एक ही एक जो परमवीर चक्र है वो इंडियन एयरफोर्स वाले को मिला उसका नाम क्या है सर काउंटडाउन स्टार्ट करो टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री टिक टिक फोर टिक टिक फाइव टिक टिक सिक्स टिक टिक सेवन टिक टिक एट टिक टिक नाइन सर नहीं पता टेन ओके अरे भाई माइनस में आप लोगों ने हेल्प नहीं किया उसकी अभी तो चैट का भी ऑप्शन दिया था सर सर हाँ? मतलब क्वेश्चन पूछने के बाद करीब से करीब 30 सेकंड्स का गैप होना चाहिए सर 30 सेकंड का गैप ना 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 सर वो बहुत ज्यादा नहीं 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 वो सर्चिंग हो जाता है तब तक सर 20 नहीं सर 10 सेकंड बस है सर 10 सेकंड सफिशिएंट है हां सर ओके आयुष माइनस मार्किंग हुआ आपके ग्रुप को ग्रुप ए माइनस टू हो गया है ग्रुप बी माइनस वन है ऋषिकेश टू पे आंसर दो उसका आपके क्वेश्चन का ऋषिकेश आपको अगर जीत सिंह ओके निर्मल जीत सिंह निर्मला जीत सिंह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किसी को आंसर भी नहीं गेस कर पाया कोई ओके ऋषिकेश तूपे हो गया अभी आदित्य बीरजदार फ्रॉम ग्रुप ए ग्रुप ए आपका माइनस टू चल रहा है ग्रुप बी का माइनस वन आदित्य बीरजदार ओके उसका भी माइक कनेक्ट नहीं है
फिर उसके बाद में शिवम माने सेशन में है? हाँ सर। ओके शिवम माने गो अहेड आज अ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी। शिवम माने शिवम माने एक्टिव है वो आपका माइक कनेक्टेड दिख रहा है, क्वेश्चन चैट में पूछ सकते हो, आपके पास में ये भी ऑप्शन है। अगर आपने अगर रिप्लाई नहीं दिया तो आपके ग्रुप को माइनस मार्किंग हो जाएगा। शिवम माने सो काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। शिवम माने सर क्वेश्चन कोठल्या पण ग्रुप मध्ये समोर आहे, डायवर्ट करा ना सर। शिवम माने ग्रुप में है क्या सर? मतलब है ना, कोई किसी को रिनेम नहीं कर सकता, मैंने रिनेम का ऑप्शन बंद किया हुआ है एक्चुअली। शिवम माने यस सर, आप लोग खुद को रिनेम नहीं कर सकते। ओके काउंटडाउन स्टार्ट, टिक टिक वन, चैट में भी बोल सकते हो सर। मतलब ए मतलब अभी शिवम माने ए में से, फिर आप ए में से किसको भी बोल सकते हो ना कि क्वेश्चन पूछो ऐसा। नहीं मैंने बीच में एक को माइनस मार्किंग दिया था ग्रुप बी में से, कोई तभी लेफ्ट हो गया था क्वेश्चन पूछने के बाद में, अब वैसा कर नहीं सकता मैं, उसी रूल पे चलना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को ग्रुप बी बोलेगा कुछ ना कुछ सर। वो तो फिर बोलेंगे हम। ऑलरेडी दो माइनस मार्किंग हो गया है। शिवम मैंने क्वेश्चन पूछना है, चैट में रिप्लाई कर दो पूछना हो तो सर, काउंटर रोक दूंगा मैं। दो मिनट हो गए सर अभी। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, टिक टिक नाइन एंड लास्ट वन टेन, माइनस थ्री। ओके तो ग्रुप बी से अब आ रहे हैं रितेश सिसोदे। यस सर। सर पूछ सेशन में है? हाँ यस। ओके गो अहेड सर। ग्रुप ए को पूछना है सर। शिवम माने से पूछूंगे नहीं क्योंकि वो सेशन में शायद उसका टेक्निकल इश्यू हो सकता है, आप कुछ शिवम माने से पूछ नहीं सकते क्योंकि वो हो चुका है सर। ओम प्रकाश जो है उससे। ओम प्रकाश गावंडे सीनियर। ओके ओम प्रकाश आपको वॉइस आ रहा है? ओम प्रकाश वॉइस आ रहा है? ओम प्रकाश हेलो। हेलो सर। फिर जो आयुष श्रीवास्तव है उससे पूछो क्या, ऐसे टाइम जा रहा है। पूछिए सर मेरा हो गया है। ओके आयुष की वॉइस प्रॉपर है, आयुष से पूछ सकते हो आप। बट सर मेरा हो गया है एक बार। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी से भी पूछ सकता है सर। आशुतोष का भी स्मोक। हाँ सर आशुतोष का भी सर। फिर ये जो उसने आंसर दिया था ना, आंसर दिया है वो बात अलग है सर। फिर जो आर्यन लिखा है उनसे पूछूं क्या? किसी से भी पूछो आप, फ्री हो रितेश सर फिर पूछो। लेकिन वो ग्रुप ए का मेंबर होना चाहिए बट उसका माइक भी प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, उसकी वॉइस आनी चाहिए मुझे। यस सर। आयुष श्रीवास्तव जो है उनकी है। आयुष आपको वॉइस नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है, क्लियरली आ रही है। ओके गो अहेड रितेश सर। क्वेश्चन है हु लीड द ऑपरेशन राजीव आफ्टर थ्री अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ मेजर वारेंदर सिंह। आई रिपीट द क्वेश्चन, हु लीड ऑपरेशन राजीव आफ्टर थ्री अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ मेजर वारेंदर सिंह।
Ritesh, your voice was breaking a bit. Can you repeat the question, please? Yes, I will. Who led the Operation Rajiv after three unsuccessful attempts of Major Varinder Singh? Do you want the question in the chat, Ayush? Yes, sir. Ritesh. ये गलत बात है, आयुष स्मार्ट है। सर आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं सर? ओके, चैट इज द फाइनल ऑप्शन। चैट में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका आंसर देना पड़ेगा, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ओके आयुष, क्वेश्चन आ गया है चैट के अंदर। हु लेड ऑपरेशन राजीव आफ्टर थ्री अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ मेजर वरिंदर सिंह? सर नहीं पता। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, टिक टिक नाइन एंड लास्ट टेन। ओवर। ग्रुप मेंबर, अभी तक आपको इतना ऑप्शन दिया, आयुष की वजह से ऑप्शन मिला था आंसर देने के लिए। सर आप हिंट दे सकते थे। सर भेजा था। आप गया, वो टाइम गया। सर बताओ आंसर। हाँ बता दीजिए। सुबेदार मेजर बाना सिंह। गुड। ग्रुप बी, आपने माइनस फोर स्कोर करवा दिया। सर 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 उन्होंने दो दो आंसर दिए सर। क्वेश्चन जिसने पूछा था वो आंसर देगा ना? हाँ वही देगा। सर पर बी वाले ने भी आंसर दे दिया है सर, मेजर वरिंदर सिंह। पर तुम्हारे हार्ड के बाद दिया ना? क्यों दिया? टाइम झालं नंतर दिलं बाबा। सर लेकिन क्वेश्चन का आंसर रितेश देगा। रितेश बताओ जो भी है आंसर आपका। आंसर सुबेदार मेजर बाना सिंह। ओके किसी को प्रॉब्लम, आपत्ति विपत्ति? नो सर। ओके ग्रुप ए माइनस फोर, ग्रुप बी ओनली माइनस वन। ग्रुप बी लीड कर रहा है सेशन में। ओके आर्यन इंगड़े फ्रॉम ग्रुप ए, गो अहेड। मनीष अहिरे फ्रॉम ग्रुप बी। मनीष आपको वॉइस आ रही है? हाँ सर। ओके गो अहेड आर्यन। सर व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एयरबर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? मनीष आंसर। समझ में आया आपको क्वेश्चन? सर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा? हाँ क्वेश्चन पूछ एक बार। आर्यन सबसे बेस्ट चैट में लिख के भेज दो उसको, वो दोबारा बोलेगा नहीं वरना दूसरों को ऑप्शन मिलेगा नहीं सर्च करने का। काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन सांगना एकदम। चैट में आ रहा है क्वेश्चन। सर झाला एक वाज ले। ओके आपका क्वेश्चन पूछ ले, आप जा सकते हो आर्यन। आंसर भी देना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम? नहीं सकते मैसेज कॉपी करून डायरेक्ट गूगल वर पेस्ट करू शकते म्हणून मी नाही टाकत। व्हाट इज द नेम ऑफ बिगेस्ट एअरबोर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? मनीष आंसर हिम। टिक टिक वन, टिक टिक टू, सर कुठे गेला टिक टिक?
सर सांगितलं ना सब बता दिया उसने करेक्ट आंसर है सर गायब हो गए क्या सर आपका माइक म्यूट है विंग म्यूट रडार सर अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा सर आपको नीचे वहां पे तो किस आ रही है हाँ सर हाँ सर आ रही आ रही आंसर सही है क्या यस सर हेलो नेक्स्ट कौन बचा है ग्रुप बी से फास्ट करेंगे टाइम अप हो चुका वैसे ओके फास्ट सर मैं बचा हूँ फ्रॉम ग्रुप ए हाँ फास्ट पुरुर्वा हेलो मुझे क्वेश्चन रवि नेश से पूछना है ओके रवि नेश हु हैड डिजाइन्ड परमवीर चक्र सारी क्या हेलो वॉइस आ रही है क्या आपको हेलो 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 सर आ रहा है रविनेश हाँ यस हेलो सर आ रहा है वॉइस ओके किसी और से पूछ के देखो सर मैं वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हु हैड डिस्कवर्ड परमवीर चक्र सॉरी हु हैड डिजाइन परमवीर चक्र हेलो हेलो हाँ किससे पूछ रहे हो सर रविनेश से पूर्वा हेलो रिपीट करेगा क्या हाँ हु हैड डिजाइन्ड परमवीर चक्र लीलाधर है सर क्वेश्चन किसे पूछा है आयुष श्रीवास्तव सर्वश्रेष्ठ मनीष भी है हेलो हेलो सर हाँ सर मैंने क्वेश्चन पूछा ना किससे रविनेश से सर मुझसे पूछा उसने हेलो ओके रविनेश की आवाज आ रही है आंसर दो रविनेश सावित्री बाई सही है क्या हाँ सर ओके माइनस मार्किंग से बच गया ग्रुप पुरुर्वा भी हो गया मार्क्स बता दो लीलाधर बचा है आदित्य मित्रे बचा है अजिंक्य बचा है बच्चे बचे है आयुष क्वेश्चन पूछना है क्या चलेगा ना सर पूछो विच आर दी ऑपरेशन सर आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन टू आशुतोष हाँ बोलिए आशुतोष आवाज आ रही है विच आर दी ऑपरेशन आशुतोष वॉइस आ रही है यस सर ओके तो सर द क्वेश्चन इज विच आर दी ऑपरेशन लेड इन 1984 एंड 1988 All the operations. Will you repeat the question?
operations led in 1984 and 1988? All of them. सर ये तो कोई क्वेश्चन हुआ नहीं ना सर, सर इसके अंदर मतलब कैसा सारा मतलब पूरी लिस्ट ही बतानी पड़ेगी और पूरी की पूरी लिस्ट किसी को भी याद नहीं रहती। हाँ सर इतना बड़ा सर बहुत छोटी लिस्ट एक्चुअली सर। क्वेश्चन पूछा है आंसर बताओ। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री सर, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, हेलो सर, टिक टिक सिक्स, जिससे क्वेश्चन पूछा वही आंसर देगा, टिक टिक सेवन, टिक एट, टिक टिक नाइन, टिक टिक टेन, ओवर। सर आंसर बोलूं? हाँ तो सर आंसर 1984 का है सब, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुडरोज, ऑपरेशन मेघदूत, और 1988 में ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन चेकमेट और ऑपरेशन कैक्टस। सर आपको लगता है ये आंसर कोई बंदा 10 सेकंड में दे सकता है? 10 सेकंड में नहीं, बोलना तो शुरू करे सब। मग इंटरव्यू मध्ये विचारलं तर जाएगा। याची माहिती की त्याला आंसर येत नाही, त्या तिथे टाइम उधर टाइम पीरियड नहीं जाएगा, उधर क्या होगा इंटरव्यू में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, अगर वो सिर्फ वेट करेगा आंसर नहीं आ रहा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जाएगा, अदरवाइज तो उस बंदे को रिजेक्ट कर देगा, दो में से कुछ होगा। बंदा अभी 10th से 11th में आया है, उसने अभी वो माइंड में इमेजिन करेगा क्वेश्चन तो वो माइंड में इमेजिन सॉरी टाइमर तो उसके माइंड में चलेगा, वो सामने थोड़ी बताएंगे टिक टिक खेल रहा है वो। ओके माइनस टू हो गया है ग्रुप बी को और ग्रुप ए को माइनस फोर। आयुष ने स्कोर किया उनके टीम के लिए, गुड। आयुष ने बेटर क्वेश्चन किया है जिसके भी आप पे उसको मार्क्स मिले हैं, उसको मालूम था कि इतने क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर कोई लिख के भेज नहीं सकता जल्दी, स्मार्ट वर्क। ओके आयुष हो गया। रामेश्वर आपको पूछना है क्वेश्चन, रामेश्वर? यस सर, यस आई विल। ओके आस्क। रामेश्वर क्वेश्चन पूछो। यस सर, किसी ने आंसर नहीं दिया क्या अब तक ग्रुप में, ए में से कोई? कोई भी हो पूछिए, किससे किससे पूछना है, नाम बोलिए उसका। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश आपको वॉइस आ रही है? उसको वॉइस नहीं आ रही शायद, आप किसी और, एक मिनट। ओके उसने रिप्लाई किया है, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। फर्स्ट वुमेन सोल्जर इन इंडियन आर्मी। काउंटडाउन। ओम प्रकाश आंसर दो, आपको वॉइस सुनाई दिया क्या? ओम प्रकाश आपको क्वेश्चन सुनाई दिया क्या? सर हाँ बोला ना सर उसने, कब का उन्होंने क्वेश्चन के लिए उसको सुना ही दे रहा है, इसने हाँ बोला था। हाँ ओके तो काउंटडाउन शुरू कर सकता हूँ मैं। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सेवन, एट, टिक नाइन, टिक टिक टेन एंड लास्ट वन इज टेन। ओके
रामेश्वर क्वेश्चन बेहतरीन पूछ रहा है आपका ग्रुप ग्रुप बी में मेंबर कम होते हुए जीत रहा है यस सर दी आंसर इज पुनीता अरोरा हाँ बोलिए आंसर बोलिए पुनीता अरोरा गुड पुनीता अरोरा वैभव भूसारे नहीं है सेशन में अजिंक्य क्वेश्चन करना है अजिंक्य करना है क्या ओके गो अहेड सर मेरा नंबर कब आएगा हेलो सर मेरा जैसा क्वेश्चन हो जा रहा है उसको दूसरा चांस नहीं आ रहा है हाँ ओके अजिंक्य सोनोने ने ऋषिकेश टोपे से क्वेश्चन कर रहा है Which is the largest cantonment military area in India? अरे बाबा उसको सर वापस से एक बार रिपीट करने बोल Which is the largest cantonment military area in India? एरिया ना है तो बेस है क्वेश्चन गलत है सर मैं चैट में भेज रहा हूँ देखिए सर कानपुर कैंटोनमेंट ऐसा सही है क्या अजिंक्य नहीं सर टिक टिक वन सर आंसर भी भेजा उसने गलत कहा टिक टिक थ्री अरे मैं काउंट डाउन करने दो नहीं पर आंसर रॉन्ग वाला विषय संपला देते हाँ सर आंसर रॉन्ग वाला विषय संपला ओके सर बराबर है कानपुर बराबर बराबर आंसर रॉन्ग वाला मुझे संपला विषय अन कानपुर बराबर ना कानपुर बराबर है इंडिया में मतलब बराबर है सर कानपुर राइट है कंटेनमेंट सगळ्यात मोठा कुठे आहे माहिती का नहीं माहिती एशिया मधला सगळ्यात मोठा आहे सर उन्होंने इंडिया बोल इंडिया इंडिया बोल क्वेश्चन तोच आहे गेम आंसर पण द्यायचा त्याचा हाँ भटिंडा इंडिया में ही है बराबर सर कानपुर भी तो इंडिया में है कंटेनमेंट सगळ्यात जास्त मोठा इथे आहे ना पाहूंगा नाही तर तुम्हाला सर गुगर बोल रहा है की कानपुर कंटोनमेंट इज द लार्जेस्ट कंटोनमेंट इन इंडिया बोथ बाय एरिया एंड पॉप्युलेशन द एरिया ऑफ द कंटोनमेंट इज अप्रॉक्स 4243.0084 acres हाँ एक सेकंड मी स्क्रीनशॉट शेयर कर आर्यन एरिया बोलो एक सेकंड ना सर स्क्रीन शेयर ओके स्क्रीन शेयर डन हॅलो आता इथे बघा काय दिलाय जे क्वेश्चन असेल तेच आन्सर येईल ना गुगल वरती बघ गुगल वरतीच आहे सर अब मैं दिखाऊ एरिया कितना है इसका एरिया लिखाऊंगा ना कहीं ना कहीं हाँ एक सेकंड ते पण करतो सर तब तक मैं दिखाता हूँ हाँ एरिया दिखाओ ना एरिया में मेरे को समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा मार्क होना नहीं होना मेरे को भी गड़बड़ हो रहा है रितेश शिशोदे स्क्रीन शेयर किया है कानपुर जो है
4243.0084, out of which area is 3.9, the civil area is 334.9. Overall कितना है? Okay, 4,243 किलोमीटर्स मध्ये किती येते ते? एकर मध्ये आहे. हा एकर्स नाही किलोमीटर मध्ये सांगा. स्क्वेअर किलोमीटर्स मध्ये. सर अब एकर में दिया तो सर आप बताओ एकर में कितना वैल्यू था वो. गूगल पे भी है ना एकड़ टू किलोमीटर डालो तो मिल जाता है किलो टू स्क्वायर मीटर. आर्यन सेटिस्फाई हो? क्या सेटिस्फाई हो आंसर से? ओके देन क्वेश्चन किसने पूछा था? सर अजिंक्य ने पूछा था. अजिंक्य सर उसने कितना स्क्वायर किलोमीटर बोला था? आर्यन यस सर क्वेश्चन का आंसर किसने दिया था? अजिंक्य कुछ पूछ रहा है. त्यांनी विचारलं कोणाला होतं? सर मला. मग आंसर कानपूर. कितना स्क्वेअर किलोमीटर बताया? स्क्वेअर किलोमीटर सांगा मग तुझ्या. 17 स्क्वेअर किलोमीटर. किती सर? 17 की 70 सर वो 17. जो उन्होंने कहा है भटिंडा वाला वो राइट है. जो भटिंडा है वो राइट है. ओके आंसर वाले ने उसको राइट कर दिया. अभी कुछ बोल भी नहीं सकते सर क्योंकि उसका भटिंडा का 70 किलोमीटर है एरिया स्क्वायर किलोमीटर और कानपुर का 17 स्क्वायर किलोमीटर कुछ है. ओके तो आज इनकी टीम स्कोर कर लिया. गुड माइनस ओके क्वेश्चन पूछूंगा सर. हो गया ना सर अभी तो मार्क्स काउंट करो सर. टाइम बहुत हो गया सर जाने का भी है ना. हाँ सर खाना भी है. सबका इशू क्लियर हो जाने के बाद ही लीव करवाऊंगा मैं क्योंकि वहां पे मार्किंग का भी इशू है. सर मैं बचा हूँ ना. हाँ हाँ पता है. ग्रुप बी से बारी आ रही है. तनिष अहिरे. तनिष अहिरे सेशन में है क्या? नहीं है. चलो मनीष है क्या सेशन में? हाँ सर. मनीष क्वेश्चन पूछना चाहोगे कि छोड़ दे रहे हो? नहीं पूछ रहा हूँ सर. सर okay. पूछा है ना सर उसने. नहीं मनीष को पूछना बाकी है. उसने आंसर दिया है. सर लीलाधर से पूछ रहा हूँ. ओके फर्स्ट इंटेंजनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया कौन से? हेलो हेलो. हाँ सर. हाँ बोलो. व्हिच इज फर्स्ट इंटेंजनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया? ओके सर चैट में सेंड करूँ क्या? उसको समझ में नहीं आया शायद. सर कोणाला विचार लेंगे? लीलाधर धनगर फ्रॉम ग्रुप ए. तेने विचार लो मनीष फ्रॉम ग्रुप बी.
सर जल्दी कर। हेलो हेलो सर नेत सर माला उत्तर उत्तर नहीं आता है सर। कौन बोलता है? मी सर लीला सर। ओके ने बोल दिया नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर तो फिर माइनस मार्किंग होगा। अरे सर मैं टाइपस कर दूं तो तेला सेंड कर दूं तो मतलब यार लीला सर 10 सेकंड का टाइम पीरियड रहता है और ग्रुपमेट हेल्प कर सकता था। ओके चलिए जान दो सर आंसर रुद्राम वन है सर। सर सर करो ना जल्दी सर। ग्रुप ए ने अगर दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए ग्रुप तो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हाँ सर। हाँ सर हेलो। ओके टाइम अप हो गया टाइम अप हो चुका है इसलिए थोड़ा हैं। ग्रुप ए का स्कोर हो गया है -6 तो ग्रुप ए हारने वाला है बट मेरे तरफ से एक ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि मैं एंड करने वाला मीटिंग सर मैं पूछूं क्वेश्चन ए को ऑप्शन। अरे ऐकून तो गया त्यांचा पहले पूछने की ग्रुप बी से और वो ग्रुप बी अगर उसका आंसर नहीं दे पाया तो ग्रुप बी के दो और बढ़ जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। इक्वलिटी के लिए मैं हेल्प सर ये तो नहीं गलत बात है ग्रुप ए में से सर सर ये गलत बात है सर। एक तो स्टार्टिंग में उन्होंने पीछे से क्वेश्चन पूछने की स्टार्टिंग भी उनसे हुई थी। एक सेकंड सर ऋषिकेश सर अगर पूरे मेंबर्स को अगर मैं दोनों ग्रुप ऋषिकेश सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे मेंबर बाकी है। और ऋषिकेश सर जाऊ देना झालं विषय खत्म करा एसएस भी तो नव्हतं ते ते जाऊ दे उद्याचं सांग आता उद्याचं काहीच नाही रे घरी बसा चुपचाप घरी बसून अभ्यास करा भाई जायचं नाही कधी तो परवा तेरवा नाही बोलते का काय माहित नाही त्यांचं। अरे आता भाई लॉकडाऊन लीलादार क्वेश्चन पूछो। हो हो सर एक तारखेला नाही बोलवणार का लीलादार क्वेश्चन पूछो फटाफट। हो सर लीलादार दबा अजून व्हिच व्हिच इज कंट्री इज पहिले पहिले एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट किसे पूछ रहे हो? रमेश जाधव राव देना कोई रामेश्वर जाधव आपको वॉइस आ रही है फास्ट बोलो। हेलो रामेश्वर ओके लीलाधर पूछो विच कंट्री इज फर्स्ट आर्मी। सर क्वेश्चन नहीं समझ। हेलो हेलो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर फिर से पूछो क्या विच कंट्री आर्मी क्या बोल रहे हो? Which country is first army? Sir, which country has first army? हाँ म्हणजे आर्मी पहिला कोणता देश आला होता? Which country has first army? रामेश्वर आंसर दो क्वेश्चन सुनाए आपको। Yes sir. अब खा Which country has first army? Abkhazia. Tick tick one. Tick tick two. Three. Tick tick three. Four. Tick tick four. Five. Tick tick five. Ten. Tick tick six. 11. तेरे आंसर देना. Tick tick. आंसर दिया उसने. Abkhazia. सर मैं कब से आंसर दे रहा हूँ आपको आवाज ही नहीं आ रही इसलिए मैंने चैट में डाल दिया। ओके 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 लीलाधर आंसर सही है
लेकिन वो क्वेश्चन ही इंडिया का नहीं था। हेलो सर, वो क्वेश्चन समझ में आया। फोर इंडिया के बाहर का था, कुछ भी है वो हर क्वेश्चन होता है। हेलो मतलब हेलो सर, ऋषिकेश सर, फोर कंट्री है ना, फोर कंट्री सर। तुम्ही इंडियन आर्मी बोलले होते, इंडियन बोलले होते ना, इंडियन डिफेन्स सर्विसेस बोलले होते ना। हां हां, इंडियन 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 यार, इंडियन जी। हेलो हां सर, फोर इंडिया के बाहर का था दादा। नहीं ना सर, मैंने क्या क्वेश्चन इंडिया के बाहर का था। हो सर, इंडिया का बाहर का था। मैंने क्या बोला, विच कंट्री इन फर्स्ट आर्मी, चार देश है ना सर। हेलो, अरे पण तू यांनी विचारलं का कोणते? पहिली बात तर लीलाधर, क्वेश्चन आउट ऑफ द इंडिया नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ द नेशन नहीं होना चाहिए। हा सर, आणि त्यांनी ते नाही का संख्यानुसार पण नाही विचारलं नुसतं। सर मी का म्हटलं तुमचं का क्वेश्चन चेंज कर, लिहिला जा करू शकतो। नाही नाही नाही, काय चेंज करायचं का? नाही सर, नाही सर। ओके, कोई मार्क जी को क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन चेंज करना है तो आपके ऐसा ऑप्शन है लीला दर सर, हो गया ना सर अभी। ओके हाँ सर, एंड कर लास्ट है अभिषेक। अभिषेक दो टाई अप करवाना चाहता था मैं। अभिषेक महाले क्वेश्चन पूछ लो, गेम ओवर करते हैं। सर ओवर करन लग गए, ते सांगन जायचं का नाही यायचं का नाही तिकडे। ओके, टीम एस सभी खत्म हो गया। आदित्य मित्रे बचा हुआ है, आदित्य मित्र सेशन में नहीं। तुम्ही चालू करणार आहे म्हणून कोविड टेस्ट करून बसलोय, आलो असतो पॉझिटिव्ह मग काय केलं असतं। ओके एक सेकंड आहे, उमेश पॉइंट हुए माइनस में। ए ग्रुप को, ए ग्रुप में आंसर्स प्रॉपर दिए नहीं, गड़बड़ किया। ग्रुप बी ने आंसर्स दिए, क्वेश्चंस गड़बड़ हुए कुछ कुछ। कंट्री का था इंटरनल था, आपको इंडियन के इंडियन डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड चाहिए था। तो आप लोग सभी को पता है विनर कौन है, और दोनों ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया। पूछना वैल्यूएबल है सर, विनर बताओ ना। जनरेट किया, रिस्पांस दिया, वो वैल्यूएबल है, वो वैल्यूएबल है। आप लोग रिस्पांस दे रहे हो वो वैल्यूएबल है, क्योंकि रिस्पॉन्ड देने वाला व्यक्ति ही आगे जा सकता है, जो रिस्पॉन्ड नहीं देता वो नहीं जा सकता। ओके सर, विनर कौन है? विनर मेरे लिए दोनों ही ग्रुप है जिन्होंने रिस्पॉन्ड दिए। सर मार्क्स के हिसाब से विनर कौन है? तू बी है रे भाई, मार्क्स के हिसाब से मैं कुछ बता नहीं सकता। वो आप लोग सोच सकते किसको मार्क्स ज्यादा मिले किसको नहीं। ठीक है सर, बाय सर। बाय। हेलो सर। हाँ सर, उद्या किती वाजता? उद्या सकाळी 7 वाजेला, संध्याकाळी 7 ला टेस्ट आहे, बेस्ट ऑफ लक। गॅट का है? गेट का आप लोगों को टाइम टेबल। हेलो एक सेकंड सर। हाँ आमचा कुठला पेपर है? गेट। आणि मग यांचा? गेट। टाइमिंग? टाइमिंग इवनिंग 7 लिखा है उसके अंदर। सेम? हाँ पेपर सेम आएगा, पेपर डिफरेंट रहेगा क्योंकि दोनों को अलग अलग पोर्शन पढ़ा रहे सर। हाँ तब मी का मतलब आता मास्टर टेस्ट का रिजल्ट संडे का। ओके 11 का मेरे पास में आंसर की है, 11 का रिजल्ट निकला है, 12 का मेरे पास में यशवंत सर ने भेजा नहीं आंसर की। हाँ फिजिक्स का भेज रहा हूँ, मैं फिजिक्स का रिजल्ट भेज रहा हूँ शाम तक। ओके हेलो सर, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी। हेलो हेलो हाँ सर, माझा आजचा पहिला दिवस आहे सर, मी कसा देऊ शकतो टेस्ट? मला काय समजलं नाही ना मार्क्स। ओके नो इश्यू, कॅम्पस मध्ये सब रिपीट होगा, काही नाही चालेल। कॅम्पस कब सुरू होगा? आणि एक सेकंड सर, इलेव्हन्थ वाल्यांना लीव करायला सांगून द्या, आम्हाला ट्वेल्थ वाल्याला बोलायचं।
रजिस्टर देना। कॉल से बात करते हैं लगे तो। सर अकेडमी कभी खोलना रे? हाँ सर बोल गया। मैं कॉल पे आंसर देता हूँ आप लोगों को सर। ओके मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। मैं हूँ ठीक है सर। ओके काले बाय। एक एक दोन तासांमध्ये कॉल कर। एक दोन तास एवरीवन। हाँ मैं